गैस तो अक्सर बंदे लोग के मन में बहुत सारे से क्वेश्चन होते हैं कि आप लोगों को जोस्टिक साइज को छोटा रखना चाहिए या फिर बड़ा या फिर कई यहाँ पर मीडियम साइज को रखना चाहिए गाइस आप लोगों ने कई सारे क्रिएटर को देखा होगा कुछ कम्पिटिटिव प्लेयर्स को भी देखे होंगे जो कि कुछ चाइनीज कम्पिटिव प्लेयर काफी बड़े जोस्टिक को रखते हैं एंड अगर बात करें हमारे इंडिया के कुछ कम्पिटेटिव प्लेयर्स लाइक स्काउट मॉटल जोनाथन की बात करें उन लोगों को जोस्टिक साइज बहुत ही ज्यादा कम होता है जिसको फिफ्टी जो बटन साइज होता है उतना में रखते हैं तो इसी टॉपिक पर कौन सा जोस्टिक साइज आपका परफेक्ट होने वाली एंड साथ ही साथ यहाँ पर जोएस्टिक का भी ट्रांसपेरेंसी को कैसे कम बेस कर सकते हैं कम ज्यादा कर सकते या फिर आप लोगों को जो स्प्रिंट मिलता है जो स्टिक के साथ में क्या उसको भी हम लोग कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं उसका साइज को या फिर ट्रांसपेरेंसी को एंड गाइस सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम लोग के साथ आती है अक्सर यहाँ पर जॉयस्टिक स्टक को लेकर जो कि गाइस काफी की जॉयस्टिक स्टक हो जाती है ऐसे ऐसी सिचुएशन में सीढ़ी वगैरह में टकरा जाती है या फिर जॉयस्टिक काफी ज्यादा स्टक होने का प्रॉब्लम आती है तो इसी टॉपिक पर बात करेंगे उस जॉयस्टिक को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो उस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो एंड गाइस साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा आपके डिवाइस के लिए एक परफेक्ट जॉयस्टिक साइज क्या होने वाली है जो कि आपका मसल्स मोबाइल में हंड्रेड एंड टेन परसेंट ये सेट हो जाए और कुछ ड्रिल्स में आप लोगों को बताऊंगा जो कि काफ़ी ज्यादा हेल्प होने वाली है Guys, देखो ये बिग जोस्टिक जो कि मैंने बहुत ही बड़ा एक जोस्टिक रख चुका है यहाँ पर अब देखो बड़ा जोस्टिक में क्या होती है कई हम लोग का मूवमेंट थोड़ा सा स्लो हो जाती है आप इस चीज को ट्राई कर सकते हैं ट्रेनिंग राउंड में एंड देन यहाँ पर जो जिगल की अगर बात करें तो बड़ा जोस्टिक में हम लोग जिगल काफी बेस्ट देखने को मिलता है एक होता है यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं नीचे की तरफ आपका जोस्टिक का जो बीच वाला बटन जो होती है या फिर एक ऊपर की तरफ जाती है तो ये परफेक्ट जिगल नहीं होती बीचो बीच अगर आपका जिगल जो जा रहा है जोस्टिक का जो बटन आप लोग को बीच में दिख रहा होगा ये कर्जर दिख रहा होगा तो वही होती है परफेक्ट जिगल ठीक है एंड देन कैसे हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले यहां पर देखो ये होती है परफेक्ट जिगल

यहाँ पर अभी कंटिन्यू रखते हैं एंड अब बात कर लेते हैं जोस्टिक साइज को एकदम छोटा कर देते हैं जैसे कि जोनाथन स्काउट लोग 50 पे रखते हैं guys, तो यार 50 पे मैंने रख दिया अब देखो छोटे जोस्टिक में मूवमेंट काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है यानी कि छोटे से से को आप एक थम से बहुत ही चीज को मैनेज कर सकते हो जो कि छोटा साइज का जोस्टिक देख सकते हैं जायरोस्कोप वगैरह ऑफ है अब अगर आप ज्यादा से ज्यादा ग्राइंड करोगे शुरू में आप लोग बहुत ही ज्यादा इरीटेट होने वाली चीज अगर आप लोग इरिटेट होगी पक्का हंड्रेड इस चीज को आप लोग नहीं होंगे आप लोग जाके ट्रेनिंग ग्राउंड में जिज जग भागने की कोशिश करो आप बार बार टकराओगे बार 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 इरिटेट होगा अगर आपका ग्राइंड अच्छे नहीं है आप कुछ लोग बोलते हैं मेरा रिफ्लेक्स फास्ट नहीं होती थी ये ट्रेनिंग आप लोगों को करना काफी ज्यादा जरूरी होती गैस ठीक है तो चलो उसी टॉपिक पर हम लोग बात कर देते हैं तो जैसे कि आप लोग को जेरोस्को ऑफ करके ज्यादा से ज्यादा ग्राइंड करना है दिन में कुछ नहीं गेम ऑन करने से पहले आप लोग को 20 से 30 बार करना है ये चीज को 20 से 30 बार जब तक तो आपका परफेक्ट 10 बार भी नहीं हो जाता एक बार भी टच नहीं होना था विदाउट टच का 10 बार आप लोग को जब तक नहीं हो जाता तो पूरा दिन में एक बार आप इसको ग्राइंड करना ऑब्वियसली आप लोग का जो मूवमेंट एंड जस्टिक का जो स्टक का प्रॉब्लम हंड्रेड सॉल्व होने वाली गैस तो चलो इस टॉपिक पर बात करते अब गैस यहाँ पर जेरोस्कोप ऑन कर लोगे जैसे कि विदाउट जेरोस्को में आपने ज्यादा से ज्यादा ग्राइंड कर लिया एंड जेरोस्कोप को ऑन करते हो ना थोड़ा सा हम लोग को हेल्प मिल जाती गैस यहाँ पर मूवमेंट को फास्ट करने को लेकर तो देखो यहां पर आप लोग को टच नहीं होने वाली ठीक है थीके? तो ज्यादा से ज्यादा ग्राइंड करना एंड देन पर एक बार एक बार आप जिग 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 भाग के, एक बार बार करके करके आप भाग के हाथ में गन लेने की कोशिश करना इससे क्या जानती है तो इससे क्या क्या होगा तो आप लोग का मूवमेंट भी फास्ट होगा रिफ्लेक्स भी फास्ट होगा बहुत सारे कुछ आप लोग एक साथ कर सकते हैं गाइस तो ये ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके आप लोग जरूर से कर तो गैस यहाँ पर सिर्फ टीडीएम या फिर एराना खेलने से नहीं होता कुछ कुछ ऐसे चीज होते हैं ना जो कि आप परफेक्ट सेट कर सकते हो ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके ठीक है आप टीडीएम में जाके कुछ कुछ सेट करोगे तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा एंड गाइज आप बात कर लेते जोस्टिक प्लेसमेंट को लेकर काफी लोग कहां को तो इसी पर बात कुछ होते हैं जो कि जोस्टिक को देख के खेलना पसंद है को गर, उसके बाद हम लोग उस टॉपिक पर बात करते हैं so, यहां पर का साइज सिक्स लेकर सेवेंटी के बीच में अगर रखोगे किसी का भी मीडियम जो आप लोग का थम होती है काफी बेस्ट तरीके से फिट हो जाने वाली है ठीक है बाकी बड़े जोस्टिक जितना रखोगे उतना ज्यादा

उसको काफी लोग बड़े कर दिए होंगे या फिर उन लोगों का ट्रांसपेरेंसी बड़ा हो जाता है तो उसको कैसे आप आप लोग छोटे या फिर बड़ा कर सकते गज ठीक है तो जैसे कि जोस्टिक में आप लोगों को जाना है बटन साइज को आप लोगों को कम वैसी या कम ज्यादा करते करते आप लोग को सडनली क्लिक कर देना आप लोग स्प्रिंट वाला में देखो इसको भी आप लोग बड़ा या फिर छोटा कर सकते हो है ना गज कमाल की ट्रिक तो इसके लिए भी फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अब ट्रांसपेरेंसी को लेकर भी बात करते हैं जोस्टिक को ऐसे ऐसे करते करते सडनली आप लोग स्प्रिंट बटन को क्लिक कर देना देखो कुछ बग्स के द्वारा यहाँ पर थ्रू आप देख सकते हैं जैसे भी काम करिए ट्रिक वर्क करिए ठीक है अब गज आप लोग को करना क्या है जैसे गैस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जोस्टिक को कुछ इस प्रकार आप लोग को नीचे करना है एंड देन गैस यहाँ पर धीरे धीरे स्प्रिंट को भी नीचे करना है एंड देन देन दे पर आप सेट कर सकते हैं तो गैस इसी टॉपिक पर बात करें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जोस्टिक देख के खेलना पसंद है जोस्टिक को देख के वो जिगल करना चाहते हैं जोस्टिक को देख कर वो खेलना चाहते हैं तो जोस्टिक को कुछ इस प्रकार आप यहाँ पर छोटा करके जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि स्प्रिंट को भी बड़ा करना चाहते हैं तो वो भी आप बड़ा कर सकते हैं एंड देन गैस अगर आप लोग यहाँ पर छोटा करके अगर आप यहाँ पर जिसको फायर बटन बोलते हैं उसके पास भी अगर सेट करके रखना चाहते हो तो आप कर सकते हैं पर फर्स्ट कंट्रोल

जोस्टिक रखने के बाद ज्यादा से ज्यादा ग्राइंड करो आप लोग और देखो अपना थम के हिसाब से कि आपका थम जा कहाँ आ रहा है लेफ्ट वाला थम इधर जा रहा कि लेफ्ट जा रहा ज्यादा राइट के साइड जा रहा तो उससे आप लोग को पता चलती है कि आप लोग को थम को किस जगह पर रखना है आप लोगों को ठीक है तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है आप लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर अच्छे से सेट कर सकते हैं अब गैस यहाँ पर एक स्प्रिंट सेंसिविटी देखने को मिल जाता है कंट्रोल्स में एडवांस कंट्रोल में तो कुछ लोग को जैसे कि डिफॉल्ट डिफॉल्टे अगर जाओगे तो फिफ्टी के मिनिमम फिफ्टी परसेंट रहती है अब कुछ लोग इसको कम करके रखते थे गैस कम में क्या होता है जस्टिक अटकने का प्रॉब्लम आती इससे हम लोग काफी ज्यादा स्टक का प्रॉब्लम आती जस्टिक काफी ज्यादा स्मूथ नहीं चलता है एंड यहां पर हम लोग को वो रिफ्लेक्स देखने को नहीं मिलता है तो इसी चीज में अगर जाते हो कर तो एडवांस में एंड गाइस या स्पिन सेंसिटिविटी अगर फुल कर दोगे तो गाइस आप लोग देख ही सकते हो इस चीज को जितना मैंने बताया आप लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर देखोगे ना तो ऑब्वियसली आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाली है तो गाइस अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प होती है ना तो इस वीडियो को दबा के आप लोग लाइक कर सकते हैं यार दिल से एक लाइक कर देना बीजे माई पब्जी लवर हो तो एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस करना ऐसे में टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग को मेरे चैनल पर वीडियो देखने को मिलती है एंड गैस होप करता अपना गेम भी आ जाएगा तो टिप्स एंड ट्रिक्स के चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कुछ भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं सो गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद वंदे मातरम